हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरीन ट्रेनर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग अप्लायंसेस की, जिसका नाम है रेस्क्यू बोट। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, रेस्क्यू बोट का मतलब है एक ऐसी बोट जो इमरजेंसी में या डिस्ट्रेस के टाइम पे किसी भी व्यक्ति को रेस्क्यू करने का या उसकी जान को बचाने के लिए जो बोट इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं रेस्क्यू बोट। तो रेस्क्यू बोट के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी नॉलेज को रिफ्रेश करने के साथ साथ एग्जिट एग्जाम में भी ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो गाइज, रेस्क्यू बोट के बारे में बात करते हैं कि रेस्क्यू बोट इज डिजाइन टू रेस्क्यू पर्सन इन डिस्ट्रेस एंड मार्शल द सर्वाइवल क्राफ्ट। मतलब रेस्क्यू बोट एक ऐसी बोट होती है जो डिस्ट्रेस के टाइम पे या मैन ओवर बोर्ड की कंडीशन में अगर कोई हमारा साथी पानी में गिर जाता है तो उसको बचाने के जाने के लिए ये बोट हमें काम आती है। और दूसरा, इट इज यूज्ड टू मार्शल द सर्वाइवल क्राफ्ट। सर्वाइवल क्राफ्ट मतलब अगर आपका लाइफ राफ्ट कैप्साइज हो गया है, मतलब हवा के साथ या लहरों के साथ उल्टा हो गया है, तो ये उसको आपको मार्शल करने में भी हेल्प करती है, उसको सीधा करने में भी हेल्प करती है एंड टोइंग ऑफ लाइफ राफ्ट में भी काम आती है। जैसा कि सब जानते हैं कि रेस्क्यू बोट और लाइफ बोट में ही इंजन होते हैं, लेकिन लाइफ राफ्ट में किसी भी तरीके का कोई पावर्ड इंजन नहीं होता। तो जब आपको लाइफ राफ्ट को टो करके ले जाना है तो उस टाइम पे भी रेस्क्यू बोट हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि वो वेसल ऑन वेसल्स विच हैव द फ्री फॉर लॉन्चिंग सिस्टम फ्रॉम द स्टर्न। मतलब ऐसे जहाज जिनमें स्टर्न से यानी पीछे के साइड से फ्री फॉर लॉन्चिंग बोट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्री फॉर लॉन्चिंग बोट जहाज पे एक ही होती है। तो अगर उन जहाजों पे जिन पे एक ही फ्री फॉर लॉन्चिंग बोट है, वो भी स्टर्न से, उन जहाजों पे एक एक्स्ट्रा रेस्क्यू बोट प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये रूल है। क्यों? क्योंकि अगर मैन ओवर बोर्ड की कंडीशन होती है तो जो आपकी रेस्क्यू बोट है ये इमीडिएटली एक्शन लेगी और इमीडिएटली एक्शन लेने के बाद में ये आपको रेस्क्यू करने के लिए मदद करेगी। लेकिन जो जहाज ग्रेविटी टाइप के साथ हैं, वो शिप्स पे जो नॉर्मल दो लाइफ राफ्ट हैं, उन लाइफ बोट में से ही किसी एक बोट को हम एज अ रेस्क्यू बोट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी मेन दो रेस्क्यू बोट लाइफ बोट होंगी, उन दो लाइफ बोट में से ही कोई भी एक बोट को आप एज अ रेस्क्यू बोट इस्तेमाल कर पाएंगे। उसमें स्पेशल एडिशनल एक्स्ट्रा आपको रेस्क्यू बोट रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो शिप्स पे स्टर्न से फ्री फॉर लॉन्चिंग बोट है उनमें आपको एक एडिशनल लाइफ बोट रखने की आवश्यकता है। अब पैसेंजर शिप की अगर मैं बात करूं तो पैसेंजर शिप्स जिनका 500 जीआरटी से बड़ी कैपेसिटी है, यानी वो पैसेंजर शिप जिनकी कैरिंग कैपेसिटी 500 जीआरटी से ओवर है, वहां पे एटलीस्ट वन रेस्क्यू बोट ईच साइड होनी चाहिए। मतलब दोनों तरफ एक एक रेस्क्यू बोट होना आवश्यक है। लेकिन वो पैसेंजर शिप जिनकी जीआरटी 500 से कम है, वहां पे सिर्फ एक ही रेस्क्यू बोट होनी चाहिए। मैं वापस रिपीट करूंगा कि वो पैसेंजर शिप जिनकी जीआरटी 500 ग्रॉस टनेज से ऊपर है, ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज जीआरटी मींस जिन वेसल्स की 500 जीआरटी ज्यादा है, वहां पे दोनों तरफ एक ही होंगी। लेकिन वो वेसल जिनकी 500 से कम है, वहां पे सिर्फ एक ही होगी। अच्छा, अब रेस्क्यू बोट के बारे में कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगा। इट मस्ट बी लॉन्च इन नॉट मोर देन 5 मिनट। यानी कि रेस्क्यू बोट जो है आपकी 5 मिनट के अंदर अंदर लॉन्च हो जानी चाहिए। कब से? जब से आपको लॉन्चिंग के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। जैसे ही आप साइरन सुनते हो, अलार्म सुनते हो, मैन ओवर बोर्ड अलार्म सुनते हो, और जैसे ही आपको नेविगेशन ब्रिज से कमांड मिलती है कि लॉन्च द रेस्क्यू बोट, तो विद इन 5 मिनट ये जो बोट है आपकी लॉन्च हो जानी चाहिए। यानी इसका जो अरेंजमेंट होता है, दैट इज सो नाइस कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। और आपको भी इस चीज का ख्याल रखना है कि जहां आपकी रेस्क्यू बोट है वहां अननेसेसरी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, जिससे कि लॉन्चिंग के टाइम पे आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और कार्गो शिप की अगर मैं बात करूं तो कार्गो शिप पे क्रू को ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्रू की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ऑर्डर मिलने के या इंस्ट्रक्शन मिलने के विद इन 3 मिनट्स आपका जो क्रू है कंप्लीट प्रिपेयर होके बोट में बोर्ड कर सके। यानी कि 5 मिनट में योर बोट शुड बी इन वॉटर, बट विद इन 3 मिनट्स योर पब्लिक, योर क्रू मेंबर शुड बोर्ड द रेस्क्यू।
दूसरी चीज इसका फ्यूल की अगर मैं बात करूं, इट इज पेट्रोल पावर्ड, ये इसका जो इंजन है वो पेट्रोल पावर्ड इंजन है, मतलब इसका स्मॉल इंजन होता है एंड बेसिकली इट रन्स ऑन पेट्रोल फ्यूल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में एक बार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फ्यूल ऑफ अ रेस्क्यू बोट, योर आंसर विल बी पेट्रोल। दूसरा इसके अंदर एक किलर कॉर्ड, उसका सेकंड और नाम है कटआउट स्विच। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कटआउट स्विच या इसको किलर कॉर्ड भी कहते हैं, इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये रेस्क्यू बोट में इसीलिए प्रोवाइड कराया जाता है कि जो रेस्क्यू बोट का स्ट्रक्चर है वो एक ओपन स्ट्रक्चर होता है चारों तरफ। अब मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति को रेस्क्यू करने के लिए सी में जा रहे हैं, इन केस बैड वेदर हो जाता है, इन केस बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, तो देयर आर सम पॉसिबिलिटीज कि आप खुद बोट से नीचे गिर जाएं। और अगर आप रेस्क्यू बोट लेके किसी को बचाने जा रहे हैं और आप स्वयं आप बोट से नीचे गिर जाते हैं तो आपको बचाने कौन आएगा। उस कंडीशन में बोट के इंजन में एक कनेक्टिंग वायर होता है, वो कनेक्टिंग वायर का एक पॉइंट इंजन के साथ कनेक्ट होता है एंड द सेकंड पॉइंट जो ऑपरेटर होता है, जो बोट को चला रहा होता है, उसके हाथ में लपेट दिया जाता है, जिससे कि इन केस अगर वो चलाने वाला व्यक्ति पानी में गिरता है तो ये वायर ऑपरेट हो जाएगा, ये वायर पुल हो जाएगा और आपका इंजन इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगा, इमीडिएटली बंद हो जाएगा, जिससे कि आप जहां भी पानी में गिरे हो ये बोट आपके नजदीकी एरिया में ही जाके बंद हो जाएगी एंड यू कैन अगेन स्विम एंड बोर्ड द बोट। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि रेस्क्यू बोट में जाने से पहले आपको लाइफ जैकेट, इमर्शन सूट वेयर करना है। विदाउट वेयरिंग ऑफ इमर्शन सूट, विदाउट वेयरिंग ऑफ लाइफ जैकेट, यू विल नॉट बोर्ड द रेस्क्यू बोट, क्योंकि आप किसी को अगर बचाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको स्वयं की हिफाजत करना जरूरी है। अगली चीज के बारे में कहना चाहूंगा कि आपको इसका इंजन एयर में स्टार्ट नहीं करना है। बेसिकली इसका जो इंजन है दैट इज वाटर कूल्ड इंजन, एयर कूल्ड इंजन नहीं है। अगर आपके इंजन को, आप इसके इंजन को बिना पानी में लॉन्च कराए स्टार्ट कर देते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटीज का इंजन हीट होके जल जाएगा। तो कभी भी आपको याद रखना है कि आपको जो रेस्क्यू बोट का इंजन है उसको हवा में बिना पानी में उतारे स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बात करूं, रेस्क्यू बोट के अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बात करूं कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी ब्रेथ क्या होनी चाहिए, इसके क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, तो सबसे पहले किस मटेरियल की बनी होगी, आइदर रिजिड, मतलब या तो मजबूत मटेरियल की बनी होगी लाइक फाइबर ग्लास की होगी, और इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब बेसिकली दो तरीके की रेस्क्यू बोट होगी, या तो इन्फ्लेटेड होगी, जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूलने वाली या जिनमें हवा भरी होती है, तो या तो फूलने वाली होगी जिसके अंदर हवा भर के उसको इन्फ्लेट किया गया है, रबराइज्ड मटेरियल की बनी होगी, या इट विल बी इन्फ्लेटेड फाइबर ग्लास, जैसा कि रेस्क्यू बोट जो है सेम उस मटेरियल की होगी जिसकी लाइफ बोट बनी होती है या लाइफ बॉयज बने होते हैं, That is a rigid material, hard material. तो इन दोनों में से किसी एक की बनी होगी या हो सकता है इन दोनों का combination भी हो। It's depend on the ship के उस ship पे क्या construction दिया गया है, उस rescue boat का क्या structure है, it's totally depend on the manufacturer. अब जो लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन है इसकी लेंथ ब्रेथ को लेके, that is fixed कि be not less than 3.8 meter in length. 3.8 meter Not less than, मतलब ये जो आपकी रेस्क्यू बोट है ये 3.8 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो बोट है इसको हम 3.8 मीटर से छोटा नहीं बना सकते, ये रेगुलेशन है। एंड 8.5 मीटर इन लेंथ, 8.5 मीटर नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, मतलब 8.5 मीटर से ये बोट आपकी बड़ी नहीं हो सकती एंड 3.8 मीटर से ये बोट आपकी छोटी नहीं हो सकती, यानी कि ना तो हम इस डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं ना ही इस डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। ये दोनों स्टैंडर्ड हैं एंड वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं, यानी कि सारी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे आपको यही मिलेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ अ रेस्क्यू बोट। सो कैपेसिटी विल बी एटलीस्ट 5 प्लस 1,
यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहूंगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर 5+1 इट्स मीन 6। अगर इसकी मैं कैपेसिटी की बात करूं तो इसकी कैपेसिटी होगी 5+1। यहाँ एक वर्ड यूज किया है कि 5+1 बट एट लीस्ट, इसका मतलब ये जो पांच बंदे हैं दे आर द शिप क्रू मेंबर जो आपको रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे, यानी कि पांच बंदे आपको लेने जाएंगे, लेकिन ये जो प्लस वन है ये कैजुअलिटी है जिसको हम बचाने के लिए जा रहे हैं। वी डोंट नो ही इज कॉन्शियस, वी डोंट नो ही इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, वी डोंट नो ही इज अलाइव और डेड, हमें कुछ भी नहीं पता है कि जिसको हम बचाने जा रहे हैं वो जिंदा है या मर चुका है या बेहोश है या होश में है, इसलिए हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके लिए हम इसको हमेशा प्लस वन वाली कैटेगरी में रहते हैं, प्लस वन मीन्स ही इज अ कैजुअलिटी। तो जो ये पांच हैं, ये जो फिट पब्लिक होगी शिप की, डेजिग्नेटेड जो बंदे होंगे रेस्क्यू बोट की टीम में वो लोग होंगे, और ये पांच के पांच लोग इमर्शन सूट लाइफ जैकेट पहनने के बाद जाएंगे, एंड दे विल ब्रिंग द टीपीए आल्सो फॉर द कैजुअलिटी, थर्मल प्रोटेक्टिव एड कैजुअलिटी के लिए ये लोग टीपी लेके जाएंगे, जिससे कि जिस कैजुअलिटी को आपने पानी से बाहर निकाला है उसको आपको टीपीए के अंदर कवर कर देना है, जिससे कि वापस लाते टाइम उसको ठंडी हवा ना लगे और वो हाइपोथर्मिया से ना परेशान हो। ठीक है, अब अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है जाने की 5, यानी कि 5 से ज्यादा रेस्क्यू बोट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम कैपेसिटी, तो ये 5 की जगह मिनिमम कैपेसिटी हो जाएगी 3, यानी कम से कम 3 लोग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 जा सकते हैं बट मिनिमम जाएंगे 3, एक पोर्ट साइड, एक स्टारबोर्ड साइड और एक होगा सेंटर में, जिससे कि आपकी बोट स्टेबल कंडीशन में बनी रहे। अब रेस्क्यू बोट की मैं स्पीड के बारे में आपसे बात करूं तो रेस्क्यू बोट की स्पीड होती है 6 knot, 06 knot, सेम एज द लाइफ बोट। जैसे कि आपकी लाइफ बोट की स्पीड होती है ऐसे ही सेम टू सेम स्पीड आपकी रेस्क्यू बोट की होती है 6 knot की स्पीड, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। आपकी जो लाइफ बोट है वो उसमें फ्यूल कैपेसिटी 24 घंटे के लिए होता है, लेकिन रेस्क्यू बोट में ऐसा नहीं होता है। रेस्क्यू बोट की स्पीड जरूर सेम है लाइफ बोट के साथ, लेकिन फ्यूल कैपेसिटी इज ओनली फॉर 4 आवर्स। यानी कि स्पीड दोनों की सेम है रेस्क्यू बोट और लाइफ बोट की, लेकिन जो फ्यूल कैपेसिटी है वो सिर्फ 4 घंटे के लिए होती है, नॉट मोर देन। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि आपकी जो रेस्क्यू बोट है वो लाइफ राफ्ट को टो करने का भी काम करती है, टो का मतलब होता है खींचने का काम करती है। तो अगर हमारी रेस्क्यू बोट हमारे सबसे बड़े लाइफ राफ्ट को, इट्स मीन मार्शल लाइफ राफ्ट को फुली लोडेड कंडीशन में अगर खींचेगी, यानी कि जो सबसे बड़ा लाइफ राफ्ट है हमारा मार्शल लाइफ राफ्ट, उसको अगर पूरी लोडेड कंडीशन में भी खींचेगी तो इसकी स्पीड होनी चाहिए 2 knots, इससे कम नहीं हो सकती। 2 knot से कम टोइंग स्पीड रेस्क्यू बोट की या लाइफ बोट की नहीं हो सकती है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ये नियम फिक्स है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें एक सर्च लाइट का होना बहुत जरूरी है, और ये आप लोगों को पता ही है कि सर्च लाइट क्या काम करती है। सर्च लाइट बेसिकली नाइट के ड्यूरेशन में आपको उजाला देती है, एक टॉर्च होती है, एक लाइट होती है जो वाटर प्रूफ होती है, और इनकेस ऑफ डार्कनेस आपको वो इल्यूमिनेशन देती है। अब मैं बात करूंगा कि रेस्क्यू बोट में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प करते हैं। सबसे पहले होता है 1 boarding ladder, boarding ladder का मतलब एक छोटा सा लैडर जो आपको बोट में चढ़ने के लिए हेल्प प्रोवाइड कराता है। सेकंड होता है सफिशियंट बॉयंट ओर्स विद पैडल्स, मतलब अगर रेस्क्यू बोट आपका इंजन नहीं काम कर रहा है तो सफिशियंट रेस्क्यू बोट ओर्स होते हैं जिनको अपन हिंदी में चप्पू बोलते हैं, जिससे कि आप बोट को थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करा सकते हो। अब बॉयंट बेलर, जैसे कि अपन नॉर्मल भाषा में बेलर को अपन बोलते हैं स्कूप, घर पे जो डस्टपैन होता है कचरा भरने के लिए, कूड़ा भरने के लिए जो डस्टबिन डस्टपैन होता है उसको स्कूप कहते हैं, उसको शिपिंग की भाषा में बेलर बोलते हैं। तो बेलर इज फॉर अगर आपकी रेस्क्यू बोट में पानी आ जाता है सी का, तो आप उससे भर के इसको वापस समुद्र में फेंक सकते हो। अब कंपास, एक कंपास होना आवश्यक है जिससे कि आपको डायरेक्शन मिलती रहे, जिससे आपको सही दिशा का ज्ञान हो सके और आपको पता लग जाए कि मुझे
कौन सी बियरिंग पे आना है जाना है। एक सी एंकर होता है, सी एंकर बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दिस, एक बकेट की तरह होता है। और सी एंकर का काम होता है आपकी रेस्क्यू बोट को ड्रिफ्ट कंट्रोल कराना, आपकी रेस्क्यू बोट की जो ड्रिफ्टिंग स्पीड है उसे रिड्यूस करना, ठीक है। एक होता है पेंटर, पेंटर जैसा कि मैं लाइफ राफ्ट की वीडियोस में भी बता चुका हूं, पेंटर इज जस्ट अ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल रोप जो आपको मदद करती है किसी भी मुसीबत के वक्त में। अ टो लाइन नॉट लेस देन 50 मीटर इन लेंथ, टो लाइन का मतलब होता है खींचने वाली रस्सी, टो लाइन। एक होती है ये बोट, रेस्क्यू बोट के अंदर कितनी होती है, एक, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर, नॉट लेस देन, यानी कि 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर आप लाइफ राफ्ट को खींचने जा रहे हैं तो उस वक्त आपके पास रस्सी तो मौजूद होगी नहीं, इसके लिए एडिशनली पहले से ही ये सारी चीजें प्रोवाइडेड होती हैं। ये टो लाइन की मदद से आप किसी भी लाइफ राफ्ट को टो कर सकते हैं। तो ये एक होती है और इसकी लंबाई 50 मीटर होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक सर्च लाइट होगी जो पावर्ड होगी बैटरी से, दूसरा एक टॉर्च होगी विद स्पेयर बैटरी, और टॉर्च जो है वो वाटरप्रूफ होगी, स्पेयर बैटरी भी होंगी, स्पेयर बल्ब भी होंगे, और वो पूरी की पूरी टॉर्च आपकी वाटरप्रूफ होगी। एक विसिल होगी, विसिल मतलब सीटी, जिससे कि आप दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सको, टू अट्रैक्ट अटेंशन, आप दूसरे का अटेंशन ले सको कि अगर आप थक गए हो, आपको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, अगर आप डिहाइड्रेट है आपकी बॉडी, एनर्जी लेवल कम है, तो आप सीटी बजा के दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ बता सकते हो कि भाई मैं इधर हूँ, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। एक फर्स्ट एड किट होती है, नॉर्मल फर्स्ट एड किट, जिससे कि इमीडिएटली आप किसी व्यक्ति को चोट लगी है या कोई और परेशानी है तो आप उसकी मदद कर सके। उसके अलावा टू बॉयंट रेस्क्यू कॉइल, जैसे कि एक जो है हमारी क्या बोलते हैं टोइंग लाइन है, ठीक है, एक टो लाइन है, तो उसी तरीके से दो बॉयंट रेस्क्यू कोट होती हैं। बॉयंट रेस्क्यू कोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि उसके नाम से आप समझ पा रहे हो, बॉयंट मतलब तैरने वाली और रेस्क्यू बचाने वाली, कोट मतलब छल्ला, एक ऐसा रिंग जो बॉयंट होता है, इस लाइक इस तरह का एक ऑरेंज कलर का एक रबर का छल्ला होता है जो तैरने वाला होता है और उसके साथ रस्सी बंधी होती है, ठीक है। तो ये दो होती हैं रेस्क्यू बोट में, कितनी होती हैं, दो, और इस रस्सी की लंबाई होती है 30 मीटर। ये किस काम आती है, इसका काम है कि जिस व्यक्ति को आप रेस्क्यू करने जा रहे हो और अगर आप उस व्यक्ति तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये रस्सी पकड़ के ये जो रिंग है उस बंदे की तरफ फेंक देनी है, ही विल होल्ड द रिंग, और आप उसको धीरे 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 अपनी तरफ खींच सकते हो। एक रडार रिफ्लेक्टर भी होता है, रडार रिफ्लेक्टर का काम होता है जो शिप्स की रडार से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको इफेक्टिवली आपको क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली वो उससे टकरा के वापस रडार की स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शिप का जितना भी क्रू है, सॉरी बोट का जितना भी क्रू है, सबके लिए इमर्शन सूट होना आवश्यक है। एक बोट हुक होता है, बोट हुक आपको बेसिकली हेल्प करता है आपकी रेस्क्यू बोट को किसी भी चीज से दूर धकेलने के लिए या नजदीक लेने के लिए। बेसिकली एक लंबा हुक होता है जिसके आगे ऐसा आपका जो हुक है इट इज लाइक दिस, एक ऐसा हुक होता है जो आपको बोट को दूर धकेलने के लिए या नजदीक खींचने के लिए हेल्प करता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने रेस्क्यू बोट के हर छोटे बड़े पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है, कोई भी ऐसी चीज मैंने इसमें नहीं छोड़ी है जो आपको बताना जरूरी हो। फिर भी अगर और दो एक चीजों की बात करूं तो एक बकेट होती है, एक बाल्टी, जिससे कि अगर पानी ज्यादा भर रहा है तो आप उसके थ्रू से बाहर खाली कर सकते हो। एक नाइफ होता है, एक चाकू जिसे जैक नाइफ बोलते हैं, उसका काम होता है कि अगर पेंटर कहीं फंस जाता है और आप उसे खोल नहीं पा रहे हो तो आप उसको कट कर सकते हो। एक पोर्टेबल फायर एक्सटेंशन होता है छोटा वाला, कि अगर गलती से रेस्क्यू बोट के इंजन में आग लगती है या कहीं किसी प्रकार का कोई फायर हैजार्ड होता है तो आप उस फायर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके इमीडिएटली किसी भी मिस हैपनिंग को होने से रोक सकते हो।
तो इस प्रकार हमने इस रेस्क्यू बोट में बोट के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, यूज के बारे में पढ़ा, क्या रेगुलेशन होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ा, कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कॉमेंट जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।